हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बांग्ला मूवी चंगेज, जिसका गाना अभी से थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ है, ये मूवी जो है पिछले 3-4 दिन से, जब से इसका टीजर लॉन्च हुआ है, तब से ताबड़तोड़ वायरल चल रही है। और देखा जा रहा है कि ये फिल्म जो है किसी का भाई किसी की जान के साथ रिलीज होगी, सल्लू भाई की फिल्म के साथ रिलीज होगी। लेकिन जो इसका बज है पब्लिक में, वो इस फिल्म से, सल्लू भाई की फिल्म से बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। ये देखने में आ रहा है कि पहली बार बांग्ला सिनेमा की तरफ से एक ऐसी पेशकश हो रही है जिसको KGF जैसी इतनी बड़ी फिल्म से कंपेयर किया जा रहा है। ऑल्दो इसमें कई लोगों की राय डिफर कर सकती है, लेकिन आप ये चीज सोचिए कि जब KGF आई थी, उसने कन्नड़ा सिनेमा की रूपरेखा बदल के रख दी थी। आज की डेट में कन्नड़ा सिनेमा की वैल्यू जो है वो इतनी हाई हो चुकी है KGF के चलते। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब चंगेज आएगी, चंगेज भी बांग्ला सिनेमा को उसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है, उसका जो ड्यू इतना लोगों का प्यार है, वो दिलवाएगी। ठीक उसी तरह मैं दमन के टाइम को बार बार याद करती हूँ, क्योंकि दमन के टाइम पर भी उड़िया सिनेमा जो है उस टाइम पर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, और दमन जब आई थी तो दमन ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, लोग पागल हो गए थे दमन के लिए। और यही चीज मुझे अब बांग्ला सिनेमा की तरफ से जो चंगेज आ रही है, जीतदा की मूवी, ये फिल्म जो है ये करती हुई दिख रही है। वैसे जीतदा को बंगाल टाइगर बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि वहां के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, एंड आई एम श्योर कि लोग जो है इनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज जो है इस फिल्म का एक सॉन्ग विड्डा रिलीज हुआ है, और इस फिल्म इस सॉन्ग का जो रिव्यू है मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो का इंटरव्यू जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जी हां, जैसे मैं कह रही हूं कि एक बस जो है ना पब्लिक में इस फिल्म को लेकर, वो अनप्रेसिडेंटेड है। IMDb पर मोस्ट एंटिसिपेटेड, बहुत लोग बता रहे हैं IMDb पर मोस्ट एंटिसिपेटेड के श्रेणी में ये नंबर 1 पर आ रही है फिल्म। तो आप सोचिए कि जो ऑन ग्राउंड जो बस है वो कितना रियल होगा। वर्सेस अगर हम बात करते हैं किसी का भाई किसी की जान के, तो इसके भी फिल्म के गाने बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन किसी भी गाने में इतना इम्पैक्ट या लोगों को इतना इंतज़ार नहीं रहा जो इस फिल्म के लिए, चंगेज के लिए मुझे देखने को मिलता है। तो सॉन्ग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर मसाला सॉन्ग है, जिसको गाया है दिव्य कुमार ने, वही दिव्य कुमार जिनकी आवाज़ जो है वो आसमान को फाड़ के जाती है जब वो गाते हैं। तो अमेजिंग, आई थिंक इन वन वर्ड रिव्यू इट इज़ अ चार्ट बस्टर। हे विड्डा विड्डा रे, चंगेज विड्डा रे, ये इसकी जो हुक लाइन है ना, वो ऐसी है जो आराम से एक चार्ट बस्टर होगी अगर ये रेडियोज पर जल्दी से जल्दी चलता है। और वर्सेस जैसे मैंने बोला सलमान खान, अब ये जो कंपैरिजन है ना यार, ये क्वाइट, ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये दोनों फिल्म, जब दो फिल्में अलग अलग इंडस्ट्री की रिलीज होती हैं तो दोनों का कंपैरिजन होना बनता है। अब ये लेकिन देखना होगा कि एक्चुअली ऑडियंस का मूड एक्चुअली उस दिन कैसा रहता है, उन दिनों के आसपास कैसा रहता है, जब एडवांस बुकिंग्स खुलेंगी तब क्या नंबर्स आने वाले हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये हमको उस टाइम पर देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, आज की बात मैं आपको बता देती हूँ, आज जो लोगों में पसंद किया जा रहा है वो चंगेज का टीज़र ज़्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों में, चंगेज की सॉन्ग, इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है ऐसा लग रहा है। और यूट्यूब पर अभी ये थोड़ी देर पहले ही सॉन्ग जो है रिलीज़ हुआ है, तो अगर आपको सुनना है हिंदी बंगाली दोनों वर्जन में ये सॉन्ग है। मेरे हिसाब से जब फिल्म आएगी, ये 5 करोड़ के बजट पर बनी हुई फिल्म है, इसके राइटर डायरेक्टर पूरी टीम इतनी धांसू इतनी बढ़िया है कि वर्सेस जब हम बात करते हैं अगेन किसी का भाई किसी की जान की, तो फरहाद सामजी सामने दिखते हैं, सलमान खान का वो अजीब सा लुक दिखता है जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है। सो द आंसर टू दिस इज कि चंगेज जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स बॉस तोड़ने वाली है, सच में, ऐसा मुझसे लिख के रख लो। हाँ, नंबर्स की जब बात करेंगे, जब नंबर्स खुलेंगे तो मैं आपसे सारे नंबर्स भी शेयर करने वाली हूँ। सो आपको कैसा लगा है सॉन्ग, आपका क्या रिव्यू है, और आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, विच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।